नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उन्नाव रेप केस में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही सेंगर पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 30,000 कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी माना और आज सजा का ऐलान करते हुए सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही सेंगर पर 25,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं फैसले के वक्त कुलदीप सेंगर जज के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं सपा के पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और सरकार के अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आवाज में धन्यवाद सरकार कर रही है। ये अघोषित कर इमरजेंसी लगा दी गई है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लोग नजरबंद रहे हैं। आज सवेरे समाजवादी पार्टी कार्यालय पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया है। सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता इनको यहाँ रोका गया। हम लोग फरने बैठे इसके विरोध में। समाजवादी करती है आने वाले समय में इनको बताना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी सड़क पर आंदोलन करेगी, इस लड़ाई को लड़ेगी और जब तक न्याय नहीं मिलता समाजवादी पार्टी साथ नहीं बैठेगा। हाँ, यहाँ पर उन्होंने जो है छात्रों की, किसानों की और महिलाओं की अलग अलग समस्याओं को लेकर के अपने कार्यालय पर एक प्रदर्शन किया। क्योंकि धारा 144 पूरे जनपद में और क्या बल्कि पूरे प्रदेश में लागू है, ये उन लोगों को भी पता है। तो अतः वो सड़क पर नहीं है और कार्यालय के सामने ही उन्होंने ज्ञापन सौंपा है जो महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित है और इसे हम उचित माध्यम से वहाँ पर प्रेषित। बरेली में अयूब खान स्थित सपा के कार्यकर्ताओं के अपनी पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन को लेकर पुलिस सुबह से ही अलर्ट पर थी। बावजूद इसके सपाइयों का हुजूम दूसरे रास्ते से होकर मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग के दिशा निर्देशन में मिशन अस्पताल तक जा पहुंचा, जिसके बाद प्रदर्शन को काबू करने में प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। वहीं बलिया में भी सपा के कार्यकर्ताओं ने एनआरसी के विरोध में जुलूस निकालकर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही मोदी योगी के पुतले फूंके। आज समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो देश तोड़ने के लिए, समाज तोड़ने के लिए काला कानून लगा रही है, उसको खत्म करने के लिए प्रदेश में, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, लूट खसोट और महंगाई के खिलाफ, साथ ही बलिया में जो सबसे ज्वलंत समस्या है कि यहाँ का ट्रामा सेंटर अभी तक नहीं चालू हुआ, यहाँ का डायलिसिस सेंटर अभी तक नहीं चालू हुआ, यहाँ पर माझी और भरौली का दोनों पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, 5 साल 7 साल हो गया अभी तक नहीं बना है, और NH 31 जो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है उसको मरम्मत के लिए यहाँ हम लोगों ने धरना देने का काम किया है। क्या बचता है मोदी जी के पास, क्यों नहीं इस पर बहस करने का काम करते हैं? संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या संविधान के साथ बलात्कार कर रहे हैं? मोदी को फांसी होनी चाहिए। वहीं सीतापुर में भी नागरिकता कानून के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। इसी दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सीतापुर पहुंचते ही प्रदर्शन और उग्र हो गया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे आज पूरे प्रदेश में शांतपूर्वक धरना था होना है, उसी लिए हम लोग का सभी कार्यकर्ता हमारे इकट्ठा हो रहे हैं और प्रशासन हम लोगों के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को रात से ही अरेस्ट करना शुरू कर दिया। रास्ते में इतनी फोर्स लगा दी है कि उनको आने नहीं दे रहे हैं और यहाँ मेरे कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया है और तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर आज हमारा धरना था। किसान परेशान है, बदहाल है, बेरोजगार परेशान है, महंगाई कमर तोड़ बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के रसोई गैस के पैसे बढ़ गए इतने ज़्यादा,
गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है, पिछले साल का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, और तीन साल से जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब 25 रुपए बढ़ाए थे 16 में, उसके बाद में गन्ने का एक नया पैसा नहीं बढ़ा। किसान हमारा किसान अब ये फैक्ट्रियां चल रही हैं इससे प्रदूषण नहीं बढ़ रहा है, बेलें चल रही हैं और पराली जला देते तो प्रदूषण फैल रहा। आज सपा पार्टी द्वारा जो है धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है और इसकी व्यवस्था के लिए किसी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि धारा 144 लागू है और किसी प्रकार का जुलूस प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, न ही इनको अनुमति प्रदान की है और उनके पदाधिकारियों को इस संबंध में अवगत भी करा दिया गया है। फिर भी अगर ये प्रयास करते हैं तो उसके लिए हमारे पास समुचित पुलिस फोन है, यहाँ पर हमने 4 थाना अध्यक्षों की फोर्स यहाँ पर लगाई है कोतवाली की फोर्स है, उसके अलावा 20 हमारे साई कैडेट यहाँ पर लगे हुए हैं, 1 प्लाटून पीएसी यहाँ पर लगी हुई है और सभी यहाँ पर अधिकारी सुरक्षित और दूसरे डीएम साहब और मैं सब यहाँ मौजूद रहूँगा और किसी भी प्रकार से इनको प्रदर्शन या जुलूस की अनुमति नहीं। संतकबीर नगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय के तहसील गेट पर सीएएनआरसी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। साथ ही योगी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने तहसील गेट से लेकर बैंक चौराहे तक जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला। पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है जो भाजपा की सरकार है, तमाम जो नागरिकता संशोधन बिल विधेयक ये सब ले आई है, इसके विरोध में जहां देश में कितने रोजगार है, रोजगार चाहिए जिनको, कितने बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी नहीं दे सकते, किसी को मजदूरी नहीं दे सकते, बेरोजगार लोग हैं उनका ध्यान हटाने के लिए सब बवाल कर रहे हैं, जिसमें पूरा देश जल रहा है, इनको अपना ये वापस ले लेना चाहिए। आज का कार्यक्रम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर एनआरसी और सीएए और देश में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार और बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ को लेकर के उसे रोकने के लिए एक दिवस। बरेली के गांव दुनका में मीरगंज के एसडीएम राजेश चंद्र और सीओ ने पीएसएससी फोर्स के साथ कस्बा मीरगंज के चौराहे और सार्वजनिक स्थलों के समीप फ्लैग मार्च किया। एसडीएम राजेश चंद्र ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन करना अवैधानिक होगा, साथ ही धारा 144 का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। वहीं फ्लैग मार्च में पुलिस प्रदीप राघव और पीएससी के जवान भी शामिल रहे। कासगंज के ग्राम इसेपुर में चेयरमैन कमांडो चांद अली ने फीता काटकर श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ किया। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ कस्बा अमापुर के सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बता दें कि कथा का आयोजन 7 दिनों तक किया जाएगा। शाहबाद हरियाणा सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी के विधायक रामकरण काला ने 6 गांव का दौरा करते हुए लोगों को चुनाव के लिए और उनका सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही अपनी सरकार पर बेवजह पैसा बर्बाद करने का इल्जाम लगाते हुए सरकार के दायित्व की भी बात कही। निर्णय लिया भी मतलब कोई भी छत्ती व्याधि मतलब जो रुके काम चाहे कोई गली का नाले का कोई बिजली का या कोई पानी का जो भी समस्या है हम उसको मतलब एक नोट करें सारी। मेरी सोच है कि मान ली इतना पैसा जो गवर्नमेंट का बर्बाद हो रहा कभी कहीं इनकी वोट आ जाऊँगी जो जाएगी और ये बैठे भी जगह में सरकारी में क्यों ना इनको सरकार मान ले या तो वहीं को जगह दे या कहीं कोई सस्ती जमीन ले या कहीं शहर से नज़दीक 1,00,000-2 करोड़ का किला या 1.5 करोड़ का किला मिला कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए। हर शहर में 1 किला लेगा 2 करोड़ का, इनका प्लाट कट जा छोटे छोटे
भिवानी के एडीआर सेंटर में पैरालीगल वॉलंटियर की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्राधिकरण की सचिव और सीजेएम शिफा ने कहा कि पोस्को एक्ट और मेडिटेशन की जानकारी लोगों तक पहुंचानी होगी, जिससे लोगों को इसकी जानकारी मिल सके ताकि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को कहा कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। का मेन उद्देश्य है पोक्सो एक्ट के बारे में, जो सभी इंस्पेक्टर इसमें टाइटल होती है, और हमारी सभी इंस्पेक्टर मैडम में पहले से इसमें काफ़ी सतर्क हैं और बहुत अच्छी से इस तफ्तीश को करती हैं, क्योंकि जैसे भी हमारे पास किसी प्रकार की कोई विक्टिम या बच्ची जो भी आती है, हम उसका जल्दी से जल्दी एडवोकेट को बुला के बयान करवाते हैं और FIR लॉन्च करके मेडिकल आगे की जो भी प्रक्रिया है उसको हर प्रकार की सुविधा दे के की जाती है। आज हमने SHOs, डॉक्टर्स प्लस ऑल आर पैनल एडवोकेट्स और PLVs को बुला के एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें हमने विद दी हेल्प ऑफ डॉक्टर एंड आर काउंसिल एडवोकेट, वी टोल्ड द पुलिस ऑफिशियल्स और बाकी हमारे सभी एडवोकेट्स और PLVs को कि जो पॉक्सो केसेस हैं उसमें किस तरह से मेडिकल किया जाए, किस तरह से जो पॉक्सो के विक्टिम हैं उनको एक वकील की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टेंटली अवेलेबल होनी चाहिए पुलिस स्टेशन में, प्लस उनके मेडिकल की क्या कंडीशंस रहती हैं, प्लस उनकी मीडिया में कैसे आइडेंटिटी का ध्यान रखा जाए, इन सभी मैटर्स को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने मीडिएशन एज वेल एज जो अरेस्ट के स्टेज पे लॉयर्स की सर्विसेज हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड की और इन सभी ऑर्गन्स को हमने मोटिवेट किया कि हम सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि जो विक्टिम है या जो एक अक्यूज्ड है उन सभी को उनके राइट्स एट द राइट टाइम मिले। ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, पुलिस ने 2 किलो अफीम और 25 लाख रुपए के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तस्करों के 2 साथी मौके से फरार हो गए। आरोपियों ने बताया कि वो अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर हरियाणा और पंजाब में अफीम की तस्करी करता था। फिलहाल पुलिस घटना की पूरी जाँच कर 2 अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, थाना अध्यक्ष बीटा 2 की टीम ने 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जो कि एक डस्टर गाड़ी से जा रहे थे हरियाणा में, और इनके पास से मादक पदार्थ जो NDPS का मटेरियल है वो भारी मात्रा में बरामद हुआ है। 25 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं और 63 किलो अफीम जो है बरामद हुई है, जो कि जनपद कुरुक्षेत्र में ले जाई जा रही थी, और वहाँ पर अभियुक्तों का कहना है कि वहाँ के माध्यम से कुछ होटल्स में, फार्म हाउस वगैरह में ये सप्लाई की जाती, छत्तीसगढ़ में जहाँ से लाई जा रही थी वहाँ पे पूछताछ में इस तरीके का आया है कि अवैध अफीम बनाने का कार्य होता है। 2 अभियुक्त इसमें अभी वांछित। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जुगपुरा देवगढ़ में राज्य सेतु निगम लिमिटेड के द्वारा ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा था कि अचानक मटेरियल ले जा रही क्रेन पलट गई, जिससे घटनास्थल पर कोहराम मच गया। बता दें कि एक महिला मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर जिले के आला प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। सर, दिनभर से काम चल रहा था, और बस एक लाइट का ताल था, तार, उससे हम दिनभर से कह रहे कि सर ये तार हटा लो, मगर उस तार को इधर इधर कर दे रही, फिर बस काम करते करते शाम हो गई, 5 बजे लेबर भागने लगी। ठेकेदार आया जबरदस्ती गेल में से रोक कर काम कर दिया, लालच दिया 150 रुपए की, तो पैसा भी कम देते हैं। अंधेरे में काम करवा रहा है। अंधेरे में काम करवा रहा है। 7-8 बजे फिर क्या हुआ? शाम को क्या हुआ? 8:30 बजे घटना 7 बजे सर। क्या हुई? ऊपर से मशीन आई, ऊपर तो देख नहीं रहे थे सर, वो बस लुढ़क गई, पलट गई क्रेन। इस घटना में हम लोग काम कर रहे आए थे, तो हम लोगों ने की तहरी हम 5 बजे भर गई, ठेकेदार ने हम और उनको जबरदस्ती नहीं भगंदा, और वहाँ से क्रेन पलटी तो 6-7 लोग घायल हो गए, एक खत्म हो गई। कितने लोग काम कर रहे थे वहाँ? हम वहाँ वो तो लोग काम तो कर रहे थे, 13 औरतें हटी, 6 बेलदार हटे, इतने कर रहे थे काम। जो ओवर ब्रिज वाले हैं जो रात रात में काम करवा रहे हैं, चोरी से काम करवाए, जैसे चोरी का होता है 5 बजे तक का काम होता है, लेकिन मजदूर लोगों को भागने नहीं देते हैं। आज जाने क्या हो गया? क्या हुआ? घटना क्या हुई? अरे वो हाइड्रा पलट गया, वो
वो घट्टी बनाने वाला होता है जॉन, क्या हुआ उसमें, कौन दब गया उसमें, मेरी दादी और 10-12 लोग और थे, बचाओ सभी को। ललनपुर रेलवे स्टेशन के पास एक ओवरब्रिज का निर्माण राज्य निगम द्वारा किया जा रहा था, जिसमें आप करीब 6:30 बजे शाम को एक पोकलैंड मशीन के पलटने के कारण जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई बुला की और 6 अन्य घायल हैं, ये उसमें 3 सीरियस हैं जिनको झांसी रेफर किया गया, 3 की स्थिति ठीक है जिनको। भिवानी जिला के गांव मानहेरू में एक युवक की मामूली विवाद के चलते गला रेतकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विवाद बुलेट बाइक के पटाखे बजाने को लेकर हुआ। पटाखे बजाने से मना करने पर कुछ लोगों ने अपने ही पड़ोसी युवक का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सुबह तकरीबन कोई 8:30-9 बजे की घटना है, तो सुबह ये जो लड़का है जिसने मर्डर करा है, इसने ये बुलेट मोटरसाइकिल पे जा रहा था, सचिन सन ऑफ ओमबीर, तो ये बुलेट के पटाखे चलाता जा रहा था, तो ये इसका जो मृतक का जो छोटा भाई है विजेंदर, इसने उसको मना करा कि भाई तू बुलेट पे पटाखे क्यों चला रहा है, इससे यार हमारी भैंसें भी दिख रही हैं। तो इस बात को लेकर इन दोनों की कोई कहासुनी हो गई, तो दोनों के कोई थप्पड़ चट्टू चल गए, तो और दोनों का बीच बचाव करवा के वो अपने घर चले गए और ये अपने घर पर आ गए थे, और एकदम से अचानक से आए और उसके अंदर घर में घुस गए। उन्होंने अंदर से अजय को आवाज़ लगाई है, अजय जैसे ही अपने घर से बाहर निकला है तो किसी नुकीले तेज धार हथियार से उसकी गर्दन के ऊपर उन्होंने वार किया है और गर्दन पे चोट मार के और वहाँ से ये लोग भाग गए हैं। इनके मोटरसाइकिल में पटाखे बजाने के ऊपर इनका विवाद हुआ था और मृतक इनके चकमों से मारा गया था, हमला किया गया था। अभी तक इनने स्टेटमेंट नहीं दिया, स्टेटमेंट देने के उपरांत ही मतलब सारी स्थिति क्लियर स्पष्ट हो पाएगी। गांव के ही हैं। पानीपत के लोहारी गांव में खेत में काम करते वक्त किसान की मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक किसान कलीराम खेत में काम करने के लिए गया था, तभी पड़ोस के खेत में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों ने कलीराम को अचेत अवस्था में खेत में पड़ा हुआ देखा। आनन-फानन में किसान कलीराम को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक कलीराम की मौत हो चुकी थी। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। ये कलीराम जैसे कल 3 बजे खेत में गया था जी, वहाँ इसने अपना नाका गिरा जी खेत में कसिए साथ, नाका लगाते लगाते वहीं गिर गया। गिरने बाद वहाँ भैया फोन करा जी, हमारे पास पड़ोस में भैया रहते हैं, उन्होंने घर फोन कराया, फिर हमारे पास फोन कराया, हम गए तो हमारे को ये वहीं गिरा मिला बिल्कुल, मतलब डॉक्टर बुला हमें, फिर ये बिल्कुल खत्म हो गया जी वहाँ। उत्तर प्रदेश के रेवाड़ी जिले में आए दिन बढ़ती यातायात के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से 2 बार नगर परिषद ने रेवाड़ी के मुख्य चौराहों पर लाखों रुपए की लागत से ट्रैफिक लाइट और CCTV कैमरे लगवाए, लेकिन 10 दिन ट्रायल पर चलने के बाद ये दोनों सिस्टम के भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए। इस खबर को हमारे चैनल ने प्राथमिकता से कई बार प्रसारित किया, जिसे देखने के बाद रेवाड़ी के एक जागरूक अधिवक्ता ने कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और नगर परिषद के ईओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर 20 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि अगर जल्द ही इन दोनों सिस्टम को ठीक नहीं किया गया तो भारी भरकम जुर्माना लगेगा। क्या है कि सरकार ने पहल 2012-13 में की थी, रेवाड़ी शहर में सुचारू रूप से कई चौराहों के ऊपर ये लाल लाइट और ग्रीन लाइट लगाई गई थी, तब भी कुछ समय तक 5-7 दिन तक ये चालू रही, लोगों ने इनको फॉलो किया और उसके बाद ये बंद हो गई वापस। सरकार ने इतना पैसा खर्च किया लाखों रुपया जो कि एक व्यर्थ पानी में चला गया। ये लाइट की दूरी 300 मीटर और लाइट ठीक नहीं है, व्हीकल आते हैं लाइट नहीं देखती है और लाइट को सही सुचारू रूप से जाइन का 15 मीटर का वो होता है वहाँ लाइट लगाई जाए और ये डिवाइडर बढ़ा के आगे लाइट लगाई जाए, तभी ये कामयाब होंगे। जब तक ये लाइट आगे नहीं आएंगे तब तक ये कामयाब नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, नगर परिषद ने पहले 2 लाइट थी हमारे, एक धारोड़ा चुग्गी पे और एक थी इस पर राउतोलाराम चौक पे,
दोनों को हमने मेंटेन करवा दे के और पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, ये लाइटें बहुत पहले लगी थी, 2012-13 में लगी होगी, उसके बाद नहीं लगी थी। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस का था तो हमने कंपनी से कॉन्टेक्ट करके इसको मेंटेनेंस करवा के और पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद पुलिस की डिमांड आई थी कि 5 जगह हमको ट्रैफिक लाइट और चाहिए, तो ट्रैफिक लाइट हमने उन पर लगवा दी और पुलिस को ट्रैफिक डिपार्टमेंट को सारा हैंड ओवर हम कर चुके हैं। मैंने पहले तो टीवी चैनलों पे ये काफ़ी खबर चली थी, लेकिन प्रशासन का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। अखबारों में काफ़ी आया कि भाई ट्रैफिक लाइटों पे इतना लाखों रुपये खर्च हो गया है, सीसीटीवी कैमरों पे इतना पैसा खर्च हो गया है। मैंने इन दोनों माध्यम से ये पाया और मैं खुद मौके पे गया तो मैंने देखा कि लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद भी प्रशासन पर कान पर जूंब तक नहीं रह रही है। उसके बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना कोर्ट का सहारा लिया जाए, और मैंने और मेरे साथी वकीलों ने, जिसमें रेणु राय है एडवोकेट और खुशबू है, उन तीनों ने ये सोचा कि हम मौके पर जाएं और मौके पर जाके इसको देखें। तो हमने ये पाया और हमने ये सोचा कि जब टीवी चैनल और अखबार के माध्यम से प्रशासन पर जू नहीं रह रही है, तब मैंने ये कोर्ट का सहारा लिया और पब्लिक ड्यूटी कोर्ट के अंदर मैंने ये याचिका दायर की है, जिसके अंदर डीसी साहब को, एसपी साहब को और नगर परिषद ईओ को पार्टी बनाया है और इनको 20 जनवरी के लिए नोटिस जवाब देने के लिए लिखा है। क्या लगता है? बिल्कुल जागेगा, उनको कोर्ट के अंदर जवाब देना पड़ेगा, इस याचिका का जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो मैं कोर्ट इन पर जुर्माना लगाएगा और इनको कार्रवाई के लिए कहेगा। मैक्सिमम दुर्घटना मेरठ के थाना परतापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एटीएम बदलकर महिलाओं को अपना शिकार बनाने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दो आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि वेस्ट यूपी में एटीएम बदलकर ठगी कर रहे गिरोह का सरगना गैंग का मुख्य आरोपी आरिफ अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है, जिसके पास से तकरीबन 3 दर्जन एटीएम कार्ड अलग अलग बैंकों के बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि यूपी वेस्ट में काफी समय से ये गिरोह सक्रिय था, जिससे लोगों की काफी समय से एटीएम से पैसे निकलने की शिकायतें आ रही थी, जिसे पुलिस ने परतापुर क्षेत्र से धर दबोचा। इसमें एक अभियुक्त आरिफ नाम का गिरफ्तार किया गया, इसके दो साथी और हैं जो गाजियाबाद के वही रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 30 अदद एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। कुल 21 घटनाओं से संबंधित इनसे जानकारी मिली है, जिसके आधार पर संबंधित जिलों के जो गाजियाबाद के हैं, नोएडा के हैं, दिल्ली के हैं और आसपास के अन्य कई जिलों के हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है, जिससे वो भी अपने मुकदमों में इनका रिमांड बनवाएं, इनसे पूछताछ करें। एक सातिर ये गैंग है, काफ़ी दिनों से ये सक्रिय था, काफ़ी लोगों से इस तरीके से ठगी करता था और इनकी गिरफ्तारी से निश्चित तौर पर ऐसी घटना पर अंकुश लगेगी और इसके लिए जो टीम है, पुलिस की टीम है परतापुर थाने की, उस टीम को 20,000 रुपये से पुरस्कृत करने की घोषणा एसएसपी महोदय के द्वारा की गई। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव 24।